अनिका मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रिलैक्स, I'm a doctor. कुछ नहीं होगा, मेरे टीम के नेता को ही कुछ एक क्या कर रहे हो तुम दो डू व्हाट आई वांट जस्ट तीन अनिका तू तू ठीक हो ना अनिका आराम से अनिका तू तो ठीक हो ना क्या हो गया क्या हुआ था तुम्हें अनिका तुम बेहोश कैसे हो गई थी उसने पता नहीं मैंने चाय बनाई है उसके बाद मैंने चाय चखी क्योंकि मुझे आपको चाय पिलानी थी अचानक से मेरा गला बंद हो गया मैंने कई बार आपका नाम लेने की कोशिश भी की थी लेकिन आपका नाम मैं बुला ही नहीं पा रही पता नहीं उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मैंने कहा ये दूध नहीं है ये क्लीनिंग एजेंट है तुमने चाय में इसे डाल दिया इसे क्या बात कर रहे हैं शिवाय मैंने दूध डाला मैं ये थोड़ी ना डाल सकती हूँ ओके मैं समझ सकता हूँ तुम्हें यहाँ की किचन की आदत नहीं है गलती से हो गया नहीं पर फिर भी मैं इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना करूंगी कि मैं ये डालूंगी ओके जरूरी बात ये है कि तुम ठीक हो ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको पहले थैंक यू कहूं या इससे पहले आपसे माफी मांगू आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने गुस्से में आपसे इतना कुछ कह दिया आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच हमारे गांव में कहते हैं कि डॉक्टर भगवान हुआ करे और भगवान को ना थारी सॉरी में इंटरेस्ट है और ना थारी थैंक यू में सो नो नीड टू थैंक मी आई एम डॉक्टर वीर प्रताप चौहान शिवाय सिंह ओबेरॉय और ये मेरी बीवी है अनिका आओ आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला तबीयत आपकी खराब थी और जान इनकी जा रही थी और मिस्टर ओबेरॉय जो आपने किया बिल्कुल सही किया ये तो आप थे जिसने सिर्फ मेरे ऊपर हाथ उठाया अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपकी जान ले लेता वैसे आप यहां यहां कैसे मैं आपका नेबर हूं नेबर जी यहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं काम के सिलसिलों में कई दिनों से बाहर था कल रात ही लौटा हूं सोचा आप दोनों से आकर मिलूं और यहां कर देखा कि एक मेडिकल इमरजेंसी है फनी एक्चुअली आज सुबह ही मैं और अनिका बात कर रहे थे कि पता नहीं हमारे नेबर्स वापस कब आएंगे वो यू नो हम एक्चुअली गोवा में यहां नए हैं ज्यादा लोगों को जानते नहीं है सो इट वुड जस्ट बी नाइस टू हैव सम कंपनी और आप हमारे नेबर है ये अच्छी बात है क्रूशियल वक्त में यू हेल्प्ड अस आउट सो थैंक यू द प्लेजर इज ऑल माइन वो कहते हैं ना लोग यूं ही नहीं मिलते कुछ होना होता है लोगों के मिलने के लिए आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे नेबर हैं अब बहुत कुछ होना बाकी है एक नई दोस्ती एक नई कहानी What a great story that is. चलिए मुझे चलना चाहिए I'll walk you up. Come. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू वंस अगेन अनिका की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया पहली बात तो मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मैंने बस डॉक्टर होने का फर्ज निभाया
और दूसरी बात, बार बार थैंक यू कहकर मुझे पराया मत कीजिए। अब तो हमारे फैमिली वाले रिलेशन समस्ट हो गए हैं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, घर आना चाहेंगे? जरूर। और फिर मैं गोवा गया। सो बेसिकली वरा हरियाणा का जट जो गोवा में सेटल्ड है। बिल्कुल, मैं अपने गांव को कभी नहीं भूला, लेकिन गोवा आकर इतने साल हो गए कि ऐसा लगता है कि मैं गोवा का हूँ और गोवा मेरा। बेसिकली गोवा में कब्जा जमा लिया अपने डॉक्टर साहब। कब्जा? कब्जा तो पराई चीजों पर जमाया जाता है, अपनी चीजों पर हक होता है। और गोवा अपना कैसे हो गया? बिकॉज आई लाइक इट, और जो मुझे अच्छा लगता है वो अपना हो जाता है। देखिए ना, आप लोग मुझे अच्छे लगे तो अपने हो गए। वैसे आई एम रियली थैंकफुल यू नो अनिका, और मैं यहाँ गोवा शिफ्ट हुए और आप जैसे नेबर मिल गए। एंड आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपका वो नीचे वाला पोर्शन आपको खाली करना पड़ा। इट्स जस्ट या इट्स ओके। हमारे गांव की एक कहावत है कि चौधरी दिल बड़ा रख, घर अपने आप बड़ा लागन लगेगा। क्या बात है। साउंड्स ग्रेट। नमस्ते। हेलो मोनाली, मेरी वाइफ, मेरी फ्रेंड, मेरी लाइफ लाइन, और ये है शिवाय सिंह ओब्रॉय, इस घर के ओनर। प्लेजर टू मीट यू। सेम हियर। प्लीज कम। एक मिनट, मैं अभी आई। इट्स अ थिंग थिंग। अब आप अंदर आ सकते हैं। यू श्योर? बहुत खूबसूरती से आपने अपना घर सजाया। रियली फील्स लाइक होम। थैंक्स। वैसे थैंक्स मुझे आपको बोलना चाहिए, आपके पति ने आज मेरी बीवी की जान बचाई है। ये तो है ही ऐसे। यू नो, मेरे मन में एक सवाल था, वो नीचे एक कमरा है जो लॉक्ड है, उसमें आप लोगों का सामान है क्या? वो साइकिल नॉब वाला रूम ना? या वहाँ हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है। ओके, आई थॉट सो। मॉम, डैड, हाय, गेस व्हाट? व्हाट? आज मैंने स्कूल में डिबेट कॉन्टेस्ट जीता। वाओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। शिवा ये मेरी बेटी है, श्वेता। हाय श्वेता। हेलो। हेलो शिवा अंकल। यू कैन कॉल मी शिवा। हेलो शिवा। हाय। अरे आपने तो प्रसाद दिया ही नहीं। आई एम सॉरी, वो मैं मीठा नहीं खाता एक्चुअली। आप मीठे से डर रहे हैं? हम आपको अगर जहर भी खिलाएं तो आपको कुछ नहीं होगा। आप शिवाय जो हैं, जोक्स अपार्ट, ये घर पर बना है, ये शुगर फ्री, ये एक डॉक्टर का घर है, यहाँ कुछ भी आपको अनहेल्दी नहीं मिलेगा। ओके, सिंस यू इंसिस्ट, आई लव सो, मैं थोड़ा लूंगा, मैं ज्यादा देंगे आप, प्लीज अपने हाथ से दे दीजिए। थैंक यू। इट्स रियली नाइस, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। यू नो, मुझे आपको आपको मुझे इसकी रेसिपी देनी पड़ेगी, क्योंकि कुकिंग इज वन ऑफ माय हॉबीज, आई रियली लव कुकिंग, सो प्लीज। श्योर। आई थिंक शुड यू लीव, पर अगर आप लोग कल ब्रंच के लिए फ्री हैं, इट वुड बी ग्रेट अगर आप तीनों अनेक और मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे घर में, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पर। एब्सोल्युटली, विल बी देयर। यस, आई सी यू बोथ टुमारो। ओके, थैंक यू मुनाली एंड श्वेता, मैं कल मिलूंगा आपसे। बाय शिवाय। Hey, SSO. SSO. हाँ, बोलो अनिका। एक बार पलट कर तो देखिए। बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि अब बातें बहुत हो चुकी। You're right. तुम होती हो ना तो बातें जरूरत से ज्यादा ही होती है। ऐसे सो, इधर देखिए ना। उधर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है घर ही में। कुछ बोलिए ना। तुम डिसाइड कर लो। अभी तुमने कहा मत बोलो, अभी तुम कह रही हो बोलो। I mean, make up your mind first. हे भगवान, मेरे पति को थोड़ी सद्बुद्धि दे। बीवी बेचारी मरी जा रही है और ये butthu.com बने घूम रहे हैं। कुछ फिल्म करना पड़ेगा। Thank you.
पिया तू अब तो आ जा। रिया को याद कर रही हो अभी? इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज ना। सारे ठीक है। प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए तेरे होठ। प्यास लग रही है ना पीरो? अब यू फीलिंग बेटर? ऐसे सो आगे खुली आप खुद ही देख लीजिए ना मैं कैसे लग रही हूँ। So nice, Iris. So nice, yes. Thank you. आखिर मेरी इतनी मेहनत किसी काम तो है? नहीं नहीं सिर्फ मेहनत नहीं, it's also skill. बहुत लोग इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ब्रिलियंट। It's just so good. है? पति को रिझाने की ट्रेनिंग भी होती है? या हाईफाई सोसाइटी में क्या क्या चोचलेबाजी होती रहती है? No, I'm just so impressed कि words नहीं है कि amazing Arabi. वो तो मैं हूँ। वीर। बहुत amazing है हाँ। डॉक्टर वीर। हाँ जिस तरह से उसने तुम्हारी जान बचाई, I was really impressed. हाँ। वीर। एक मिनट। मतलब आप उसकी ट्रेनिंग और पढ़ाई की बात कर रहे थे? डॉक्टर वीर। amazing man, वीर, डॉक्टर वीर। उनकी फैमिली और भी बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट अनिका तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नो अब तक मैं डर रहा था कि तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, लेकिन अब वो है तो मेरी चिंता चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतनी देर से जो भी वहाँ हुआ मैंने किया, आपके दिमाग में डॉक्टर वीर चल रहे थे? इतनी लकी है। पीवी बेचारी 16singar.com बनके सामने घूम रही है और इन्हें पड़ोसियों की पड़ी है। क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रही हूँ कि आपने वो गाना सुना है शिवाय? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपको पता है मैंने वो बचपन में सुना था, लेकिन उसका मतलब ना मुझे आज समझ में आया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि विजयंती माला आंटी जी के दिल पे क्या बीत रही थी। कौन सी आंटी? आप चुप कीजिए और मेरा दुखड़ा सुनिए। आपको पता नहीं है कि जब एक औरत पे ना, जब उसका पति उस पे ध्यान ना दे तो उस औरत के ना छोटे 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 एकदम छोटे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। इतनी तैयारियां की थी मैंने, आज 5 बार शैम्पू किए मैंने, शैम्पू खत्म भी हो गया, आपको ही लाना पड़ेगा। हाँ, और 6 बार कर्ल जलाए अपने बाल, 6 बार। और इतनी वो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैं वर्ड नहीं यूज कर सकती, लेकिन ऐसी लेसी वाली काली नाइटी पहने मैंने, और गिरधारी हलवाई के समोसे से भी हॉट बन के आपके सामने आई। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो अपने मुंह में दही जमा कर आप बैठ गए बस। अब आप कुछ बोलेंगे या नहीं? सारी आंटियां ना सही कहती, शादी के बाद ना पति ध्यान देना बंद कर देता। मेरे साथ भी यही हो रहा। पापा जी हमसे बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उन्हें कैसे पता चला और हमारी चप्पल पे ये लाल रंग आया कहां से? जैसे जैसे कोई जानबूझ के हमें पकड़वाना चाह रहा है। उसी ने हमें देखा था उस दिन लाइन पार करते हुए, पर टिया बेचारी तो अंधी है, वो कैसे देखेगी? जितना अनिका भौजा रूडी भैया ने हमें उस टिया के बारे में बताया था, उस हिसाब से तो ये वुमन या कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये भी तो हो सकता है कि इस घर में टिकने के लिए वो अंधा होने का नाटक कर रही हो। हाँ गौरी, अब सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो सच में अंधी है या सिर्फ नाटक कर रही है।
अरे अगर ये अंधी है तो इसे कैसे पता कि वो मुंह पे लगाने वाली क्रीम है? ये भी तो हो सकता है सूंघ के पहचान लिया हो। अब जब हमारे सबकी सुई टिया की तरफ घूम ही गई है, हमें सच का पता लगा के रहेंगे। यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर मिल जाएगा हमें जिससे ये साबित हो जाए कि टिया अंधी नहीं है। मेरी मना करने के बावजूद इसने ये लाइन क्रॉस की है। हमारी चप्पल के नीचे भी लाल रंग ही लगा हुआ था, लेकिन ये लाल रंग टिया के कमरे में क्या कर रहा है? कहीं हमारी चप्पल के नीचे ये लाल रंग टिया ने ही तो नहीं लगाया? अगर ऐसा है तो वो टिया की बच्ची एक झांप में दीवार पे सट जाए बे। तो नींद एकदम दौड़ के आती है, रात को क्या टांगे टूट जाती है, क्या नींद ही नहीं आ रही है। ये तो वही आवाज है। अंदर से आ रही है। शिवाय, शिवाय उठिए ना, मैं देखती हूँ आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है ये आवाज? ये दरवाजा कैसे खुला? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।